अस्सलाम वालेकुम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक बुक वन आज हम पेज थर्टी टू पर यूनिट फाइव ऑन द बस इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे और अगर आपको टेक्स्ट बुक पर यूनिट फाइव ऑन द बस की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और इसके तमाम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं ग्रेड वन के प्लेलिस्ट से भी आपको मिल जाएंगी ओपन करें एक्सरसाइज ए मिसेस एलिस अम्ब्रेला यहां जो आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं इनके बारे में आप डिस्कस करें करेंट कैन बी सी इज इन पिक्चर सम क्वेश्चन यू कैन आस्क अबाउट दिस पिक्चर यहाँ आपको रिहान नजर आ रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर इज रिहान सिटिंग रिहान इज सिटिंग अंडर अ ट्री वेयर इज द बॉक्स द बॉक्स इज नियर द रेहान या आप कह सकते हैं वट इज दिस दिस इज अ बॉक्स वट इज रेहान वेरिंग रेहान इज वेरिंग अ शर्ट या फिर रेहान इज वेरिंग अ वॉच वट इज रेहान डूइंग रेहान इज रीडिंग अ बुक या रेहान इज राइटिंग ऑन अ कॉपी रेहान इज राइटिंग विद अ पेन अब हम वीना के बारे में क्वेश्चन करेंगे हु इज sitting on the ground yeah on the grass vina is sitting on the ground yeah where is vina sitting vina is sitting on the ground where is the dog the dog is standing beside the vina where is the bag the bag is behind the vina yeah what is this this is vina's bag what is vina holding in her hands she is holding books वट इज शी वीरिंग शी इज वीरिंग रिबंस अब हम इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे हु इज शी शी इज मिस अली वेर इज मिस अली स्टैंडिंग मिस इज अली स्टैंडिंग नियर हुईना वट इज शी होल्डिंग या वट इज शी होल्डिंग इन हर हैंड शी इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला वट इज शी वीयरिंग शी इज व्रिंग शलवार कमीज एक्सरसाइज बी इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि कौन सी चीज किस से बिलोंग करती है किसकी है उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उर्दू में तो हम कहते हैं ये, उसका है, ये उसकी गाड़ी है ये उसका बस्ता है तो का के और की का इस्तेमाल हम उर्दू में करते हैं लेकिन इंग्लिश में हम पॉस्ट्रफी एस लिखते हैं इस तरह कॉमा लगा के जब एस लिखा जाता है तो इसे पोस्ट्रोफिक कहते हैं नाउन के साथ इसे लगाकर हम उस चीज का तलक उसके साथ बताते हैं राइट टू सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर बिलो यहां जो पिक्चर्स दी गई हैं, इनके बारे में हम टू टू सेंटेंसेस लिखेंगे पहले आप देखें ये क्या है ये घड़ी नजर आ रही है तो आप लिखेंगे दिस इज वॉच ये किसकी है इट इज रिहांस इसी तरह आप नोट करते जाएं। दिस इज अ शर्ट इट इज रिहांस दिस इज अ पेन इट इज रिहान्स दिस इज अ बॉक्स इट इज रिहांस अब हम विना की चीजों के बारे में लिखेंगे दीज आर रिबंस दे आर विनर्स दिस इज अ डॉग इट इज विनर्स दीज आर बुक्स दे आर विनर्स दिस इज अग इट इज विनर्स एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर वन मार्फ द वर्ड्स पुट अ सर्कल राउंड द वर्ड्स नेमिंग थिंग्स जो चीजों के नाम है उनके गिरद आपने सर्कल लगाना है एंड अंडरलाइन द वर्ड्स नेमिंग पीपल और जो लोगों के नाम है उनके नीचे आपने अंडरलाइन करना है तो आइए ये सॉल्व करते हैं थिंग्स पहले देखते हैं बुक इसमें ये पेंसिल है पेपर कप ब्ई डॉक ये लैम्प और स्कूल अब हम पर्सन के नेम अंडरलाइन करेंगे खालिद सना सलमान आमिर फरहान बासित महा क्वेश्चन नंबर टू रीड दिस देन राइट वर्ड्स इन द लिस्ट इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने इसमें से पीपल और थिंग्स की लिस्ट बनानी है sam and jill live in a big house. it has ten windows and two doors. mr. peter is their father. he has a car and a cycle. mr. peter sells books. mrs. peter teaches. sam and jill have a friend called alan. they all play with a kite. to aye, pele, people take the sam, jill, mr. peter, mrs. peter. अलान तो ये आप पीपल में लिखेंगे अब हम थिंग्स को देखते हैं हाउस विंडोज डोर्स कार साइकिल बुक्स काइट दीज आर ऑल थिंग्स तो ये आप इस तरह लिखेंगे यूनिट फाइव ऑन द बस की तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना लाइक और शेयर भी करना है थैंक यू अल्लाह हाफिज़